मोटोरोला G72। हेलो मोटो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अक्षर अग्रवे। और भाई इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये मोटोरोला G72। सैमसंग का भी परचेज कर लिया तो मैंने सोचा ब्रांड जो है चेंज कर देखा जाए। तो ये हमारा नया G72 और जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है उस प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया बढ़िया फीचर्स जो अपने साथ लेकर आता है। क्या क्या फीचर्स है इसके और कितना प्राइस हमें इसका पड़ा है वो से भी बात करें बाद में, फिलहाल अनबॉक्स करते हैं इसको फटाफट। तो कुछ इस तरह का बॉक्स जो हमें यहाँ पर देखने मिलता है दोस्तों, यहाँ पर है मोटो G72 की ब्रांडिंग। साइड से अगर देखें तो बॉक्स स्लिम नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें मिलने वाला चार्जर। बैक साइड में जो है इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स लिखे गए हैं और इस तरह इसकी बाकी डिटेल्स। कलर आप देख सकते हैं पोलर ब्लू है। 6128GB जो है वेरियंट एक आता है इसमें। यहाँ पर इसकी MFG डेट 3/2023 लेटेस्ट बना हुआ ये प्रोडक्ट और ये है इसका MRP 21,999। एग्जैक्ट प्राइस जो है लास्ट में बताऊंगा, फिलहाल ओपन करते हैं इसको और चेक करते हैं हमारा नया मोबाइल। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा हैंडसेट ही देखने मिल जाता है और ये देखिए दोस्तों कलर इसका एकदम जबरदस्त लाल रखते हैं इसको साइड में। इनबॉक्स कंटेंट्स जो देखते हैं, एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है आपको और ये इसकी कुछ यूजर गाइड और ये है मेन चीज़ 33 वोल्ट्स का जो आपको यहाँ पर चार्जर मिलता है दोस्तों, जो कि कंपनी आज के टाइम पे बंद कर दी जा रही है। USB टाइप ए टू टाइप सी वाला ये चार्जर है और वजन काफ़ी इसमें। इसके बाद है हमारी ये USB टाइप ए टू टाइप सी केबल और कुछ नहीं है बॉक्स के अंदर। अब एक और चीज़, यहाँ पर आपको केस भी साथ में मिलता है और बिल्कुल लाइट वेट जो है हैंडसेट हमें यहाँ पर मिलता है। पहले इस TPU केस को मैं निकाल देता हूँ। अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाता है, अंदर इसके कुछ लाइनिंग वाला टेक्सचर है ठीक है। और अब देखिए इसकी लुक, एकदम जबरदस्त पोलर ब्लू कलर ये है। चलिए अब शुरू करते हैं इसका एक ओवरव्यू। फ्रंट में आप जैसा कि देख सकते हैं 6.5 इंच की आपको फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाती है। और एक और चीज, इमर्सिव स्टीरियो साउंड आपको मिलता है दोस्तों। इस प्राइस पॉइंट में आपको डुअल स्पीकर्स मिलते हैं स्टीरियो स्पीकर्स। राइट साइड में इसके वॉल्यूम रोकर और पावर ऑन एंड ऑफ स्विच। बॉटम में आपको यहाँ पर मिल जाता है एक 3.5mm का जैक, ये भी आज के टाइम पे खत्म होता जा रहा है लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है। और ये इसका माइक, यहाँ पर है टाइप सी का पोर्ट, ये इसकी स्पीकर ग्रिल। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर सिम ट्रे मिल जाती है, तो सिम ट्रे भी चेक कर लेते हैं इसकी। ये आपको यहाँ पर मिलती है हाइब्रिड सिम ट्रे, तो यहाँ पे आप या तो डुअल सिम यूज कर सकते हैं या फिर एक सिम और एक माइक्रो SD इसमें यूज कर सकते हैं। और माइक्रो SD 1 TB तक जो है एक्सपेंड कर सकते हैं इसमें, जो कि काफी अच्छी चीज है। तो में ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है और ये इसका सेकेंडरी माइक। बैक साइड में यहाँ पर मोटोरोला की ब्रांडिंग है और यहाँ पर मोटो का लोगो। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको देखने मिलता है। चलिए फटाफट इसके स्क्रीन से रैपर इसको रिमूव करते हैं। अब देखिए इसकी स्क्रीन, फटाफट मैं इसको बूट और सेटअप कर लेता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, तो आप देख सकते हैं एकदम जबरदस्त डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाती है। यही इसका एक मेन हाइलाइटेड फीचर है। यहाँ पर आपको दी गई है 6.5 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली OLED 10 बिट वाली डिस्प्ले, जिसका रिफ्रेश रेट है 120Hz। और वाकई में जो डिस्प्ले इसकी जबरदस्त है दोस्तों, एकदम बढ़िया जो कलर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बेजल्स की अगर बात करें तो आपको बहुत ही कम बेजल्स देखने मिलते हैं, जो कि लुक को काफी एनहांस करते थे। साथ में जो कैमरा कटआउट है ये भी छोटा सा है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो ये देखिए एकदम स्मूथली जो है वर्क करता है। अब देखिए कुछ वीडियो सैंपल्स। तो देखो आपने एकदम बढ़िया जो है कलर्स और शार्पनेस यहाँ पर देखने को मिल जाती है आपको। उसी के साथ साथ इसका ऑडियो भी आपने सुन लिया है, जो कि डेडिकेटेड डॉल्बी एटमॉस का आपको यहाँ पर ऑडियो मिलता है। इसका भी सैंपल सुनिए। तो सुना आपने, डॉल्बी एटमॉस का आउटपुट था ये। इसका अलग से आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है जिसमें आप अपने हिसाब से भी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकी म्यूजिक फिल्म ये सब चीज़ें जो आपको प्रीलोडेड मिल जाती है इसमें। स्मार्ट ऑडियो का भी ऑप्शन है यहाँ पर, ये अपने आप आइडेंटिफाई करता है क्या म्यूजिक चल रहा है, उस हिसाब से जो है आउटपुट आपको सुनने मिल जाता है। तो ये था इसका वीडियो और ऑडियो। UI की बात करें तो एकदम क्लीन UI आपको मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड, कोई ब्लोटवेयर वगैरह आपको नहीं मिलता यहाँ पर। अब बात करते हैं इसकी स्टोरेज और रैम की, तो 112GB जो आपको फ्री मिलती है 128GB में से, और
और रैम, ये है इसकी रैम 6GB। रैम को बूस्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं 1.5GB तक जो है बूस्ट कर सकते हैं इसको आप। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर मिल जाता है एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स, एक साल तक के सॉफ्टवेयर अपडेट, उसके बाद 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। प्रोसेसर आपको मिलता है यहाँ पर मीडियाटेक का हीलियो G99, जो कि डे टू डे टास्क में एकदम बढ़िया यहाँ पर रहने वाला है। प्रोसेसर के बाद अब बात करते हैं इसके कैमराज की, तो यहाँ पर आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 108 मेगापिक्सल का जो आपको यहाँ पर मेन प्राइमरी सेंसर मिलता है, उसके बाद है 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और ये है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, उसके बाद है ये LED फ्लैश। इसका लेआउट जो है चेक करते हम, ये है कैमरा का लेआउट, कुछ इस तरह से जो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, फोटो, पोर्ट्रेट, नाइट विजन, वीडियो। प्रो का भी आपको यहाँ पर मोड मिलता है दोस्तों, जिसमें अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं सब कुछ, और मोड के अंदर आपको अल्ट्रा हाई रेज ये सब चीज़ें जो है देखने को मिल जाती हैं। तो 108 मेगापिक्सल के लिए आपको अल्ट्रा रेजोल्यूशन पे फोटोज खींचनी पड़ेंगी। अब चलिए देखिए इसके कुछ कैमरा सैंपल्स। ये इसका वीडियो सैंपल और 60 फ्रेम पर सेकंड पे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, नॉर्मल मोड है ये। अब देखिए इसका अल्ट्रा वाइड मोड, ये इसका अल्ट्रा वाइड मोड 30 फ्रेम पर सेकंड पे आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वीडियो और ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थे इसके कैमरा सैंपल्स, आपको कैसे लगा इसका कैमरा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है, सिक्योरिटी आपको यहाँ पर थिंक शील्ड की मिल जाती है दोस्तों, और डिवाइस में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, और फेस अनलॉक भी काफी बढ़िया जो है यहाँ पर वर्क करता है। तो दोस्तों सभी चीजें हमने यहाँ पर कवर कर दी है। अब रहती है इसकी बैटरी, तो आपको यहाँ पर मिलती है 5000mAh की बैटरी। इस डिवाइस को देखकर आप कह नहीं सकते कि इसके अंदर आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, क्योंकि काफी स्लिम है ये और लाइट वेट भी काफी है। और बैटरी को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर आपको फास्ट चार्जर मिल जाता है 3 वोट का। तो बस यही था हमारा मोटोरोला G72। अब इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, हमने इसको परचेज किया है 10,500 रुपए में, फ्लिपकार्ट से इसको परचेज किया है। और 10,500 में कैसे मिला ये बताता हूँ आपको। एक मोबाइल जो हमने एक्सचेंज किया था जिसकी कीमत हमें मिली 4,500 रुपए, प्लस में SBI क्रेडिट कार्ड पे 1,000 रुपए का डिस्काउंट और मिला इंस्टेंट, 10,500 रुपए जो है इसकी कीमत रहेगी। तो काफी अच्छी डील है इस प्राइस पे, कोई बुराई नहीं है इसमें। हाँ एक चीज कम है इसमें, 4G डिवाइस है ये, 5G नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, 4G की स्पीड जो है ठीक ठाक मिल जाती है हमें। मुझे 10,500 में कोई कमी नहीं लगी इस सेट में। आपको कैसा लगा ये हमारा G72 कमेंट करके जरूर बताइए। परचेज करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस। मैं मिलता हूं आपसे एक अपने वीडियो के साथ, धन्यवाद।